bounds. ये रेड वाले बटन पे क्लिक करके और ये बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सबसे पहले मेरे लेटेस्ट वीडियो। दोस्तों आप देख रहे हैं मखसूस शेख चैनल। आज मैं तुमको दिखाने जा रहा हूँ कैसे एक ब्रांड लोगो को कैसे बना सकते हैं, मेरे वॉलपेपर पे है ना ये फोटो को कैसे बना सकते हैं मैं आज तुमको दिखाऊंगा। और ये पार्ट टू है, मैं पार्ट वन में आर्क का लोगो बनाया था और अब मैं ये मेरा सिंबल बना रहा हूँ MS मकसूद शेख करके। और फर्स्ट में PixArt ऐप को खोल लेना है। PixArt ऐप को खोल लेने के बाद है प्लस आइकन पे दबाना है। प्लस आइकन पे दबाने के बाद ड्रा पे जाना है। ड्रा पे जाने के बाद है क्रिएट न्यू पे है 1024x1024 को सेट कर लेना है। और इसको सेट कर लेने के बाद है ऊपर पे दबाना है और एडिट इमेज पे दबाना है। और एडिट इमेज पे दबाने के बाद है टेक्स्ट पे MS करके लिखना है। तुम्हारा चैनल का कोसा है कि वो रख लीजिए और तुम्हारा नाम कोसा एक रख लीजिए। और इसको ब्लैक कर लेना है। ब्लैक कर लेने के बाद इसको मैं ये कर लूँगा और इसको साइज़ को मोटा कर लेना है। और मैं इसको ज़रा ऐसे रख लूँगा और ऐसे रख लेने के बाद राइट मार्क पे क्लिक करने के बाद ड्रा पे जाना है। और ड्रा पे जाने के बाद शेप को सर्किल कर लेना है और फुल कर लेना है। और बाद में इसको मैं यहाँ रख दूँगा और इसे अच्छे से सेट कर लूँगा। और बाद में लेयर पे जाना है। लेयर पे जाने के बाद आगे पे सिटी को खमा लूँगा और एक एम्प्टी लेयर बना लूँगा। और एम्प्टी लेयर जमाने के बाद बिल्कुल आगे पे सिटी फुल हो जाएगा और मैं इसे खमा लूँगा। और खमा लेने के बाद इसको एरेस कर लूँगा और बिल्कुल सर्किल पे जाकर और इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। अच्छे से एडजस्ट कर लेना है इसको। और इसको मैं अच्छे से एडजस्ट कर लेता हूँ। और इसको काट के भुर का अच्छे से कर लूँगा। और मैं इतना रख लूँगा, इतना बस। और लेयर पे आके कैपेसिटी को फुल कर लूँगा। और फुल कर लेने के बाद इस पर राइट मार्क पे क्लिक करने के बाद फिर को एडिट फ़ोटो पे जाके मैं ये बार डिस्क्रिप्शन में नहीं लिंक दे रहा हूँ फ़ोटो का, आपको गूगल पे जाके सर्च कर लीजिए बैकग्राउंड फ़ोटो तुमको कोसा होना है कि वो फ़ोटो सेट कर लीजिए। और बाद में मैं ये फ़ोटो का सेट कर लूँगा और नहीं तो मैं थंबनेल पे दिया सो फ़ोटो सेट कर लूँगा, तुमको वो फ़ोटो दिखाऊँगा। और ये फ़ोटो को दबाने के बाद इसका साइज़ को बड़ा कर लेता हूँ। और बड़ा कर लेने के बाद हाँ बेंड पे जाके और स्क्रीन को ऐसे दबाना है। दबाने के बाद ऐसा हो जाएगा। और बाद में इसका साइज़ को खमा लेता है मैं और जल्द ऐसे बड़ा लेने के बाद इसको ऐसे रख दूँगा। और रखने के बाद राइट मार्क पे दबाने के बाद इसको सेव कर लूँगा। और इसको सेव कर लेने के बाद हाँ सेव कर लेने के बाद बाहर का के PixelLab में जाने के बाद अब इसको डिलीट मार्क पे दबाना है। और डिलीट कर डालने के बाद प्लस आइकन पे दबा के फ्रॉम गैलरी पे दबाऊँगा। और दबाने के बाद अब हमें सेव कर ले सो फोटो को दबा लेंगे। और दबाने के बाद राइट मार्क पे क्लिक करने के बाद इसको साइज़ को इतना रख लूँगा ज़रा छोटा सा। और बाद में इस पे जाने के बाद ट्रांसपेरेंट पे दबाऊँगा और इस पे जाके मैं एरेस के इस पे दबाऊँगा। और दबाने के बाद ये चल गया था। और बाद में मैं फर्स्ट इस पे शेडो पे जाऊँगा, शेडो को ऑन कर लूँगा। और ऑन कर लेने के बाद इसको -44 लग लेना है। और इसको मैं -44 लग लूँगा।
44 लाख लेने के बाद इसको मैं 0 लाख लूँगा। हाँ, और इतना बस 2 पे रख लाता, और बाद में आयरन स्टारों पे जाना है, और इसको भी खरमा लूँगा। इसको नहीं रख लूँगा, और इस पे जाके इसको भी ऑन कर लूँगा। इस पे ऑन कर लेने के बाद इसको माइनस कर लूँगा, और इसे 80 रख के इसे खमा लूँगा, और बाद में ये हार्डनेस को ज़्याद करता हूँ, और ज़्याद करने के बाद ये ब्लेवल को भी कर लूँगा, और बाद लाइट मार्क पे दबाने के बाद हाँ 3D रोटेट पे इसे ऐसे ऐसे फिरा लूँगा, और इधर साइड को फिरा लूँगा, और इधर साइड को फिरा लेने के बाद इसको ऊपर कर लूँगा, और कर लेने के बाद फिर राइट मार्क पे क्लिक करता हूँ। और करने के बाद अब क्या करना है कहे तो इस पे जाना है 3D शेप में को, 3D शेप में को भी ऑन कर लूँगा, और इसको भी रख लूँगा, और डार्कनेस खमा लूँगा, और 25 रख लूँगा। इसको 25 रखने के बाद इस पे दबाता हूँ, इसको प्लेस कर लेंगे, 25 रख लेंगे, और इसको 2 लाख लेंगे, और माइनस 5 लाख लेंगे, नहीं माइनस 2 रख लेंगे। और रखने के बाद इसको मैं हाँ सेट कर लूँगा, और बाद में राइट मार्क पे क्लिक करता हूँ, और इस पे जाके कलर पे मैं इसको ये कलर सेट कर लेता हूँ, और बाद में इमेज साइज़ को आपको थंबनेल लक लेना का तो लक लाता, और यूट्यूब चैनल का बैनर दिया था, प्रोफाइल पिक्चर दिया, फेसबुक कवर फ़ोटो दिया, गूगल प्लस कवर फ़ोटो दिया, ट्विटर हेडर साइज़ दिया, और मैं क्या भी नहीं करूँगा, मामूल से रख दूँगा, यूट्यूब थंबनेल करके चुपके दबाऊँगा, और बाद में इसका साइज़ को खमा लेता हूँ, और हमारा लोगो बन गया था। आप तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब करके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और मैं इंटरेस्टिंग से अच्छे अच्छे